तो दोस्तों आज हम हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं रुका था और मैं आपको देख भी रहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो जल्दी से एक जो भी आपने सॉल्व किया होगा एक बार आप रिवाइज कर दो फास्ट, जल्दी से फॉर्मूला क्या था। तो फास्ट हम सबसे पहले रिवाइज करते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था। आप मेरे साथ रिवाइज करोगे, a plus b plus c का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc plus 2ca। हो गया फॉर्मूला रिवाइज हो गया पूरा का पूरा। अब पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा रिवाइज तो हो गया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको क्यूब का कराया था वैसे ही है। ये आपको आएगा क्वेश्चन तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x माइनस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 है ना प्लस x, एक काम करता हूं नहीं चलो फर्स्ट वाले सॉल्व कर दो, प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिस्टमैटिक मैंने पूरा का पूरा लिखा, मतलब यहाँ पे साइन अलग अलग है दिख रहा है, तो आपको दोनों के दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, बिना सॉल्व किए होगा नहीं, दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 3 का स्क्वायर, पहले इसका आंसर निकाल लो और फिर इसका आंसर निकाल दो और दोनों को ऐड कर दो। तो देखो इसका आंसर आपको निकालने आएगा, ए का वैल्यू कितना है बता दो, ए का वैल्यू कितना है x, बी का वैल्यू कितना है माइनस 2y और सी का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आएगा, ए अब फिर से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला ऊपर लिखा है, एक्स माइनस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मैंने सब वैल्यू लिख दिया है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम होगा। देखो अभी आपको दिखाई देगा, देखो आपको थोड़ा अच्छे से करो, एक बार बंद करके चालू करो, देखो आपको दिखाई देगा। देखो क्लिक करो यहाँ पे, क्लिक जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक बटन आपको दिखाई देगा, अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा देखो नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे देखो x दिखा के क्लिक किया ना, देखो यहाँ पे b पे क्या आएगा माइनस 2y, c पे क्या आएगा 3, बाद में यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस 2y, यहाँ पे bc है तो माइनस 2y और यहाँ पे 3 और यहाँ पे c है ca, यहाँ पे 3 और x। ओके देन फाइनली x स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4y स्क्वायर, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा देखो प्लस माइनस माइनस 2 2 2 4 एक्स और वाई, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 3 12 12y प्लस 6x हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो यहां पे मैं क्वेश्चन भी लिख दूं, x माइनस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, अब सेकंड पार्ट आपको बहुत सारे लोग डायरेक्टली आप लिख सकते हो, मैं तो डायरेक्ट आप भी लिख सकते हो डायरेक्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो लिख सकते हो, पर साइन का जाके आगे प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए फिर से इसको सॉल्व कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर से आप सॉल्व कर लो उसके आगे वाला पार्ट क्या है, x प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करना है। द वैल्यू ऑफ a इज x, द वैल्यू ऑफ b इज 2y एंड वैल्यू ऑफ c इज माइनस 3, तो ये दोनों का साइन यहाँ पे डिफरेंट हुआ है। तो यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फिर से वही यहाँ पे क्या आएगा, हाँ अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं c स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो यहाँ पे a क्या आएगा x, b क्या आएगा 2y, c क्या आएगा माइनस 3,
रहेगा भी ए बी एक्स और टू वाई, और यहाँ पे क्या आएगा टू वाई माइनस थ्री, यहाँ पे क्या आएगा सी क्या आएगा माइनस थ्री और एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा नाइन, यहाँ पे क्या आएगा टू, टू टू जा फोर, देखो ये टू टू जा फोर एक्स वाई माइनस देखो प्लस माइनस माइनस, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व वाई प्लस माइनस माइनस सिक्स एक्स, ओके तो ये आपका क्या हो गया एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, सिस्टमैटिक हो गया। अब आपको क्या करना है, मेन आपका क्वेश्चन लिखना है और ये दोनों का एडिशन करना है, समझ में आएगी। मेन आपका क्वेश्चन क्या लिखना है एक्स माइनस, अगर आप सिस्टमैटिक करोगे यहाँ पर आपके टीचर ने आपको मार्क्स दे देंगे, मिल जाएगा मुझे मिल गया मार्क्स, तो यहाँ पे जाएगा प्लस थ्री और यहाँ पे जाएगा होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब देखो मैं दोनों वैल्यू को लिख रहा हूँ, इसका आंसर क्या है अच्छे से लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस फोर एक्स वाई माइनस ट्वेल्व वाई प्लस सिक्स एक्स प्लस। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पे माइनस साइन है, माइनस साइन है तो अंदर का सब साइन चेंज हो जाएगा, ये चीज तो आपको याद रखना है, बस यही करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, बाकी सब सेम है। तो इसका आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फोर एक्स वाई माइनस ट्वेल्व वाई माइनस सिक्स एक्स। अभी मैं यहाँ पे कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, सेम सेम सरनेम वाले देखो, देखो एक्स प्लस में एक्स माइनस में कैंसिल, वाई वाई नहीं होगा और फोर एक्स वाई, फोर एक्स वाई प्लस माइनस इसका साइन अपोजिट हो कैंसिल होगा, और कुछ दिख रहा है और कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं इसका आंसर मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, देखो यहाँ पर सेम सेम सरनेम वाले को ढूंढो, देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कहीं का एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर ट्राइंगल बनाया वाई स्क्वायर, फोर वाई स्क्वायर, फोर वाई स्क्वायर कितना हो गया एट वाई स्क्वायर प्लस नंबर वाई ले लेता हूँ पहले, नंबर बाद में लेता हूँ, पहले एक्स ले लेता हूँ, एक्स ले गया एक्स को कैंसिल हो गया वाई ले गया वाई वाई माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस ट्वेंटी फोर वाई दिखाई नहीं दे रहा है, यहां से लिखता हूँ टू क्या था पहला टू एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर 24y हो गया। अब देखो अब क्या बचा, नंबर बचा है प्लस 9 प्लस 9 तो प्लस 18 ये भी हो गया, ऐसे मार्किंग आप पेंसिल से कर सकते हो, ऐसा मत करना बस अंडरलाइन, तो सब कुछ हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर है। तो दोस्तों समझ में, अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड खुद से कर सकते हो, बस यहाँ पे माइनस है तो अंदर साइन याद रखना, जब यहाँ पे अंदर साइन लिखोगे तो सब साइन चेंज हो जाएगा, तो आपको सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन खुद से करना है। तो दोस्तों वीडियो देखने दिल से थैंक्स, जाके जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व करो, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछना और मैं देख रहा हूँ, पता है ना मैं साथ में हूँ आपके, ध्यान से देख रहा हूँ, चोरी चोरी मैं देख रहा हूँ कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, और अगर नहीं करोगे तो ऐसे थप्पड़ खाओगे, तो जल्दी जल्दी करो फास्ट, ओके। तो वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू, शेयर।